वाइटिस फैमिली। तो यहाँ पे हम वेन्यू पे पहुँच चुके हैं और फिर से देख रहे होंगे बहुत टायर्ड हैं। पीछे ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं, इनकी शादी में मैं 6 मंथ की थी, सो आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन आज भी ये बहुत स्मार्ट दिखते हैं, आप देख ही रहे हैं, मेरे घर में सबसे गुड लुकिंग है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद रेडी होंगे। तो जय माता दी वाइटिस फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। थोड़ा सा मैं ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने वाली थी, लाइक राजस्थानी लुक, बट थोड़ा सा शैपा हो गया। वो क्या शैपा हुआ है वो आगे आपको दिखेगा। तो साड़ी कैसी लग रही है फाइनली बताइएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको फुल लुक दिखाने की, बट नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा नीचे का लुक नहीं दिख रहा, नीचे भी बॉर्डर ही है, दैट्स इट। यहाँ पे तैयारी हो रही है बारात के वेलकम की, क्योंकि बारात पहुँच चुकी है और वो लोग यू नो जलपान वगैरह कर रहे हैं। बड़ा हिंदी बोल रही हूँ मैं आज, जलपान वगैरह कर रहे हैं। एंड आफ्टर देन यहाँ पे आएंगे, डांस वांस करते, कूदते, नाचते। वैसे वेदर बहुत अच्छा है, सो काफ़ी इन्जॉयमेंट रहा आज का दिन। और यहाँ पे सबसे बड़ी भाभी और भाई हैं, ये लोग बात कर रहे हैं एक रस्म की। यहाँ पे मैं मुझसे ही बात कर रहे थे और भाई का ज़्यादातर कॉल पे ही बात हो पा रहा था, क्योंकि इतना दूर से आवाज़ नहीं जा रहा था। तो ये रस्म ये होती है ना कि जब दूल्हे राजा आते हैं तो दुल्हन अक्षत मारती है कि जैसे कुछ भी अलाएँ बलाएँ हों वो हट जाएँ। यहाँ पर मैं फिर से आपको अपना लुक दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मेरा लुक, बट पता नहीं क्यों कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं एंगेजमेंट में ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा होगा एंगेजमेंट वाला, तो चैनल पे है, जाके देख लीजिएगा और बताइएगा कि मैं किस में ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। तो यहाँ पे बारात आ रही है, बारात बिल्कुल आ गई है बाहर, ये देख सकते हैं आप, वहाँ पर एंटर हो गई है। थोड़ा दूर है, आपको नहीं दिख रहा होगा। और ये लोग अगवानी के लिए खड़े हैं टेरिस पे, हम लड़कियाँ खड़े हैं, मतलब औरतें लड़कियाँ सब लोग। और यहाँ पर हमारी दुल्हन भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे सेल्फी वगैरह क्लिक हो रहा है। आजकल तो यही है ना कि हम लोगों के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी, तो थोड़ा भीड़ भाड़ कम होता था, अभी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सेल्फी हर लोगों को क्लिक करनी होती है, सो हो जाता है। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि लड़की को यू नो आगे करके अक्षत फेंकवाने के लिए। तो मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि जब अभी बारात आती है ना तो सारे लोग इधर उधर ही नज़र रखते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, तो उसमें दुल्हन दिख सकती है। तो जो है इसीलिए मैं बोल रही थी कि अभी वेट कीजिए, थोड़ा सा दूल्हे राजा को निकलने दीजिए। बस यहाँ पे अक्षत फेंक दिया गया है और वाइट और रेड साड़ी में मम्मी खड़ी हैं, ब्लू साड़ी में एक और भाभी हैं। हमारा 4-5 घर है पटीदार मिला के, तो उन्हीं में की ये भाभी हैं। और हम लोग सारे लोग में बहुत ज़्यादा यू नो अच्छा रिलेशन है, तो सब लोग एक साथ एकजुट होते हैं। भाई को आप देख ही सकते हैं वाइट कुर्ता पैजामा एंड क्रीम जैकेट में। और ये जो सबसे मम्मी के पीछे खड़ा, ये मेरा सबसे बड़ा भतीजा है, जो भाई को आपको दिखाया ना मैंने स्टार्टिंग में, उनका बड़ा बेटा है। इसकी शादी अभी जल्दी हुई है, 2 महीने पहले। और यहाँ पे ब्यूटीफुल लेडी हमारे घर की, चाची दीदी, इंट्रोडक्शन तो मैं करा नहीं सकती। रेड साड़ी मेरी बड़ी भाभी हैं आपको बताया, और ग्रीन टाइप की साड़ी पहनी हो मेरी बड़ी दीदी हैं, बट आई डोंट नो कि आप समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे जो द्वार पूजा होता है वो शुरू हो चुका है, शादी का पहला रस्म ये होता है शादी के दिन का, जब दूल्हा आता है। तो आप लोगों में होता है नहीं होता है बताइएगा, जो लोग यूपी साइड से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये है पूरी सजावट, तो कैसी है बताइएगा। हमने तो कुछ भी इतना इन्जॉय नहीं किया, क्योंकि हम रेडी होने में दुल्हन के साथ रहने में ही रह गए। तो यहाँ पर दुल्हन रानी बहुत लंबी सी जो चुनरी होती है ना आजकल ट्रेंड में है, वो लेके और अपने पिया जी से मिलने चल पड़ी हैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए इस तरीके की इनकी एंट्री हुई है, साइड साइड में राधा कृष्ण हैं और ये है। सो काफ़ी खूबसूरत एंट्री हुई थी इनकी, बहुत अच्छा लगा था। और मतलब बहुत ज़्यादा यू नो दुल्हन हैप्पी थी, और दुल्हन हैप्पी हो तो सारी चीज़ें, सारी मेहनत जो है ना आपकी सफल हो जाती है, क्योंकि ये जो दिन होता है वो दूल्हे और दुल्हन का ही खास करके होता है, और दोनों का हैप्पी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के दिन हैप्पीनेस रहे तो लाइफ लॉन्ग रहती है। बस यहाँ पर ये देख लीजिए, दूल्हे राजा लेके अपनी दुल्हन रानी को चढ़ रहे हैं ऊपर, मतलब लेके जा रहे हैं, सॉरी कुछ कुछ हम अपनी लाइफ यूज़ कर देते हैं यहाँ पे। तो बस अब यहाँ पे जयमाल होगा और जयमाल के बाद शादी की रस्म स्टार्ट होगी। काफ़ी लेट हो गया था, इस टाइम की बात करूँ तो 12 AM हो रहा था। और यहाँ पे अभी आरती वगैरह उतार रही हैं, मतलब
अपने होने वाली पिया जी का, और कैसी लग रही हैं बताइएगा, हम लोग कैसे लगे जो बताइएगा। हमने बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी कि मैं आपको ब्लॉग में भी नहीं दिखा सकती, इतनी मेहनत की थी। ब्लॉगिंग करना इस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन एक तो मेरा काम था, दूसरा मुझे आप लोगों के साथ ये खूबसूरत सफल शेयर करना था, सो मैंने ब्लॉगिंग की। और ये जो स्मोक सा होता है ना, ये बहुत लग रहा था यू नो ब्रीथ करने में, सांसों में, लेकिन पता नहीं लोग क्यों इतना ये सारी चीज़ें करते हैं। थोड़ा बहुत करना चाहिए बट इतना नहीं करना चाहिए। काफ़ी टाइम तक था, हम लोग बहुत ज़्यादा यू नो परेशान हो गए थे सारे ही लोग। और यहाँ पे लड़कियाँ जो है माल लेके खड़ी हैं, और ये देखिए ये वाला बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा था आँखों में, सांसों में, यहाँ तक कि दुल्हन को भी पसीना सा आ गया था। बट आजकल जो चीज़ ट्रेंड में है वो तो करनी ही करनी है। ये देखिए दुल्हन मूड नहीं है कि पसीना आ रहा है पोछने के लिए। और ये देखिए कितने कैमरे, कितने मोबाइल, वो नो मैं तो सरप्राइज रह गई थी देखकर, सो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप कितने कैमरे, कितने मोबाइल्स, फ़ोन हैं, लड़के लड़की की तरफ से लोग खड़े हो के यू नो कैप्चर कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, और जयमाल हो गया। जयमाल होने के बाद जो आशीर्वाद का है वो सब होगा। सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं मुझे 100 काम थे, तो बस किसी अब पता भी नहीं था कौन कौन रिकॉर्ड किया, नहीं तो मैं मांग लेती। और यहाँ पे इन लोगों का खाने पीने का काम चालू है, मैं बोल रही थी कि एक दूसरे को खिलाने के लिए, बट ये लोग खा चुके थे उसके पहले, सो नहीं हो पाया था ऐसा। तो ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी भाभी की, आई होप अच्छी लगेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स जो है वो ये पिक्चर्स है, हमारी फैमिली पिक्स है। तो आई होप मेरा व्लॉग ये वाला अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे अब शादी की रस्म स्टार्ट है, यानी मेन शादी जो होती है वो बैठ चुके हैं दूल्हे राजा, अभी दुल्हन नहीं आई है। तो ये मैं मिलूँगी आपको आगे के व्लॉग में। बाय।